वकील पोर्टर जिंदाबाद, आर्मी पोर्टर जिंदाबाद। हमारी आर्मी वाले मर रहे हैं, एलजी तमाशा देख रहे हैं, प्रधानमंत्री तमाशा देख रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं पता चल रहा? एक गांव के अंदर 6 आदमी मर गए, अभी तक नहीं मालूम चला वो कहां से मरे, कौन मार गया उनको। हमारी मांगे पूरी करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कारगिल पटर, हमारी मांगे पूरी करो। हमें दो ही एलजी अच्छे मिले, एक का नाम, दूसरे मलिक साहब। आज मलिक साहब के सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, क्या बात है यार, सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है। मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पहला फ्लाईओवर जम्मू कश्मीर में बनाया तो कश्मीर वाले चल गए, यहाँ क्यों नहीं बना है? अगर हवाई अड्डा नेशनल एयरपोर्ट यहाँ देने के लिए बात की तो वो श्रीनगर बन गया, यहाँ क्यों नहीं बना? महबूबा साहब कहती हैं मैं तो कुछ सुनती नहीं हूँ, फरूख साहब कहते हैं मैं तो गूंगा हूँ, आजाद साहब अब कहने लगे अब तो मैं कांग्रेस छोड़ गया, वो दिन चले गए। आए दिनों लगातार हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, टांडा टाइगर फोर्स जो बैक सपोर्टर थे और ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट काम करके दिखाया इन्होंने, और आज जो हम पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इन लोगों की देन है जिन्होंने एक अहम भूमिका अदा की थी बैक सपोर्ट के तौर, और इनको रिक्रूटमेंट की गई थी, और आज 24 साल हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते, रगड़े जा रहे हैं, गरीब लोग पीसे जा रहे हैं, कोर्ट्स में भी गए, और आज इस झुलसती हुई गर्मी में जम्मू की सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं केवल शर्मा जी। किस तरह केवल शर्मा जी आप परेशान हैं, और आए दिनों इतने प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, मीडिया हर जगह जो आपने हाईलाइट किया, लेकिन आपका इशू जो है किसी ने भी रिड्रेस नहीं किया अभी तक। देखो सर, हमने अपनी इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का उस बुरे वक्त में साथ दिया, जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया था तो हमने ये सोचा था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के लिए मर जाएंगे, अपना आखिरी खून का कतरा तक बहा देंगे और ये जंग जीत के आएंगे। इस जुनून से हम भर्ती होकर वहाँ पे गए थे, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, हमें भर्ती करके ले जाया गया था। अगर फौज ने ही जंग जीतना था तो हमें क्यों ले जाया गया था वहाँ पर? अगर हमारी बैक सपोर्ट ना होती आर्मी को तो मुझे नहीं लगता था ये कारगिल ऑपरेशन विजय हो सकता था। हम लोगों ने मनीषनपुरा पोस्टों पर पहुँचाया है, आर्मी को खाना पहुँचाया है, 527 जवान इस युद्ध में हमारे शहीद हो गए थे इंडियन आर्मी के, जिसमें 7 लड़के हमारे थे जो मनीषन लेके जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से गोला गिरा और 7 लड़के हमारे शहीद हो गए। उनके परिवार वालों को गवर्नमेंट ने एक एक बंदे को जाब दे दी, हमारा क्या कसूर है? हम लोग जी बता गए थे, अगर ये लोग ना होते उस युद्ध में तो हमें नहीं लगता था ये कारगिल ऑपरेशन विजय हो सकता था। आज हम बीजेपी के जो स्टेट अध्यक्ष हैं रविंदर राणा की बात सुनते हैं कि हम जी गरीबों की सरकार है, हम जी सबका साथ देते हैं, विकास देते हैं, लोगों बेवकूफ बनाना उनका काम है, आऊं बैठे था जम्मू चिंता नहीं करनी उनको, देखना चाहिए। वो कहते हैं मैं बैठा हूं यहां पे, यार आप बैठे हो आप तो बैठे रहोगे, पर गरीबों को तो देखो जिन्होंने आपका इतने बुरे वक्त में हिंदुस्तान का साथ दिया। हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं है, ऐसे आप बोलते हो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यार इनको तो देखो, कम से कम इनको तो देखो जिन्होंने इतने बुरे वक्त में इंडियन आर्मी का साथ दिया और हिंदुस्तान का साथ दिया। आज ये लोग सड़कों पे हैं, 24 साल के हम सड़कों पे हैं, अभी तो हम थक गए हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चाहे आजाद साहब जी को कहिए, हम सारे उनकी सपोर्ट में आएंगे। हमारा मसला ये जो है इसको नेशनल मीडिया पे पहुंचाओ। हम 24 साल से इस जम्मू में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है अभी हमारी आवाज़ आगे जा रही है कि नहीं जा रही। इसी मसले में मैं 14 तारीख को पैदल निकला था डिस्ट्रिक्ट कठुआ से दिल्ली के लिए, और 6 दिन का सफर मैंने पैदल किया, मैं दिल्ली की गवर्नमेंट को जगाऊंगा, क्या पता जी हमारे वाले हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा रहे हैं। पर आज एक महीना होने जा रहा है, उन्होंने हमें ये बात बोली, हमें ये बात बोली पे आपको व्हाट्सएप आएगा, ना हमें व्हाट्सएप आया। हम राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दी हमने, क्या वहाँ भी आपको बेवकूफ बनाया गया? बेवकूफ बनाया जा रहा ना सर, बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखो एक महीना हो गया, इन्होंने बोला पे आपको 14 दिन आपको हफ्ते के बाद व्हाट्सएप आएगा, आपको बुला लिया जाएगा, आपके चक्कर में हम यहाँ पे कैबिनेटर बैठाएंगे, आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। आपकी बैकडोर एंट्री थी या कैसे आपकी बटालियन खड़ी हुई थी? हमारी सर 6 बटालियन खड़ी हुई थी, टांडा टाइगर फोर्स उसको नाम दिया गया था, और हमें भर्ती करके यहाँ से 3200 लड़कों को लेके ले जाया गया था। क्या वो बैकडोर एंट्री तो नहीं थी? बैकडोर एंट्री नहीं थी सर, हम भर्ती होके गए थे, भर्ती होके गए थे। किसने किया था भर्ती?
हमारे आर्मी वालों ने किया था, हमारे कर्नल साहब ने किया था। उधमपुर में 1F40 ने किया था, तो यहाँ पर 26 DOU ने भर्ती किया था। टांडा टाइगर फोर्स वहाँ उन्होंने 108 इंजीनियर रेजिमेंट वालों ने भर्ती किया था, इनको अलग अलग भर्ती करके लेके गए थे सर। तो आपकी मांग क्या है, क्योंकि बहुत आप थक भी चुके होंगे, पैसा भी गया आपका, और आप जो है वो फ्यूचर भी आपका सिक्योर नहीं है, सबकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, खर्चा लगता है, महंगाई का दौर है, तो अब आखिरकार आपकी मांगें क्या हैं और वे आउट कैसे निकलेगा? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अजाज साहब के आगे अपनी फरियाद रखूंगा कि हम आपकी पूरी जितने भी मेरे साथी हैं, इनकी आवाज़ को उठाएं सर, इन गरीबों की तरफ देखें, इनको कुछ ना कुछ दिलवाएं। हमने बुरे वक्त में हिंदुस्तान का साथ दिया, आप ही हो हमारा मसीहा, और अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इस आवाज़ को जोरों शोरों से उठाएं। वहाँ पे आने वाले वक्त में हम आजाद साहब का पूरा साथ देंगे और उनको जम्मू कश्मीर का CM लाने में पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। ऐसे ताकत लगाएंगे जैसे हम कारगिल युद्ध में गए थे, वैसे ही हम इनके पीछे चलेंगे और आजाद साहब को लाएंगे यहाँ पे, जो हमारी बात रख सके। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको, इनकी आवाज़ को उठाया जाए, हमें नेशनल मीडिया तक पहुँचाया जाए। अगर आजाद साहब मेरी बात सुनते हैं तो हमें नेशनल मीडिया तक पहुँचाया जाए, तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, इन गरीबों की तरफ देखो, इनको चाहे पेंशन, चाहे इनका पिछला बकाया, चाहे इनको जो जॉब बचती है, इनको दी जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आजाद साहब से, अगर मेरी बात सुनते हो तो इस बात पर गौर करें, इन गरीबों की तरफ ध्यान दें, जो तपती हुई धूप में आज भी जम्मू की छड़कों पे पैदल घूम रहे हैं। या हमने कोई बुरा काम किया था? इससे बड़ा युद्ध क्या हो सकता है? इससे बड़ा युद्ध कोई नहीं हो सकता, हमने बुरे वक्त में साथ दिया। ये थे हमारे साथ कारगिल पोर्टर्स, और इनके आंखों में आज आंसू हैं, इतनी दुर्दशा हो चुकी है, 24 साल से लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी आखिरकार तीन ही मांगे हैं कि इनका जो वन टाइम सेटलमेंट दिया जाए, या इनको बकाया जो इनकी लाइफ स्पैन बचा है जाब दी जाए, या इनको पेंशन दी जाए। ये तीन मांगे लेकर यहाँ बैठे हैं और कई सालों से बैठे हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनकी जेन्युइन डिमांड को जो प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि इनका भी परिवार है, इन्होंने भी देश का साथ दिया है। ऐसे तो हम बड़े बड़े लीडर जो हैं, हम लोग जो हैं देशभक्ति का दावा करते हैं, असल में देशभगत यही लोग हैं जिन्होंने उस मुश्किल वक़्त में देश का साथ दिया है। और हमें गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और इनको जो है वो न्याय दिया जाए। साथ और भी लोग जो हैं इनकी सपोर्ट में आ चुके हैं कारगिल रिपोर्टर्स पार्टी के विंग से, हूँ जम्मू प्रोविंस के। आज हम इनके दुख दर्द के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट भेजते हैं वो कहाँ है इस वक्त? 1999 में जो जंग हुई, इनकी बदौलत वहाँ पर जीता गया गरीब आदमी की तरह। आज इन्हीं को सड़कों पर उतार देख रहे हैं, मेहनत करके वहाँ पर इतना इन्होंने काम किया हुआ, अपना घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, आज वो सर्टिफिकेट बांटने वाले कहाँ हैं? जो बोलते हैं हम जम्मू कश्मीर में सर्टिफिकेट है, हम देशद्रोही की बातें करते हैं, आज आए ना वो सड़कों में, इनको दे दें, इनको पेंशन दे दो, जो भी इनको मांग है वो पूरी करो। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनकी बातें सुनिए, ये नहीं मत करो कि हर वर्ग इस वक्त परेशान है, हैरान है, चाहे कोई भी हो, डेली यूजर हो, ऑल डिपार्टमेंट परेशान है, हर रोज़ सड़कों पर मीडिया की बातें चलती रहती है। डेली वेजर्स को तो स्टेट अध्यक्ष रविंदर राणा जी कहते हैं, चिंता नहीं करनी, हम बैठे थे जम्मू, ए बैक डोर एंट्री है, माता वैष्णो देवी करेगी। भाई आप फिर क्यों बैठे उधर? फिर माता की रानी पर छोड़ देंगे सब कुछ? मत करो, डेली यूजर खास करके इन्होंने गवर्नमेंट घर में काम करने के लिए वो डेली यूजर की पॉलिसी लाई थी, बल्कि वो डेली यूजर कोई पक्की सीट नहीं है, कोई पक्की नौकरी नहीं है, NC हो, PDP हो, कांग्रेस का तो कहना है जो कारगिल रिपोर्टर्स हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक भर्ती किया गया था, ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, तो इनको क्यों फिर दूर? बिल्कुल सर जी, ऐसे करते हैं, पहले ये छल छपेट से बाद में जैसे डेलीवर, इनको भी डेलीवर बनाकर वहाँ पर ले गए थे, इनको भी लाली पाप दिखाया गया वहाँ पर 4 महीने के लिए। चलो हम मानते हैं इनको PHE वालों को आपने नहीं लगाया था, तो PDD वालों को आपने नहीं लगाया था। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं
इन लोगों को किस सरकार ने भर्ती किया था ये मैं पूछना चाहता हूं उनसे। तब भी आपकी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है, तो हम 24 साल से सड़कों पे धरने प्रदर्शन और इतने प्रोटेस्ट किए, हमें सर्टिफिकेट दिया है आपने, कारगिल प्रश्न भेजेगा। 24 साल आपको सैलरी भी मिली है? सैलरी भी हमको मिलती थी। कब तक मिली? जब तक हम 4-5 महीने जब तक हम वहाँ बार में रहे तब हमें सैलरी मिली। फिर तो आप एकदम जो है वो आर्मी के पर्सनल थे, क्योंकि आपको सैलरी भी दी गई। उसका पूरी वर्दी आर्मी की थी, इनके पास टाइम नहीं था ट्रेनिंग का, क्योंकि जंग लगी थी इनके पास टाइम नहीं। अगर हमारे पास वेपन होता तो हम भी वेपन चलाते और हम भी दुश्मन को मारते, हम पीछे हटने वाले नहीं थे। तो आपकी कोई इंजुरीज भी हुई है उस जंग? हमारे 7 लड़के शहीद हुए हैं, 527 आर्मी के जवान शहीद हुए थे इस युद्ध में और 7 लड़के हमारे शहीद हुए हैं। हमें सर्टिफिकेट दिया गया है कारगिल ऑपरेशन विजय का। और भी कोई जख्मी हुए थे? मैं भी जख्मी हूँ, बहुत लड़के जख्मी, मेरी 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 टांग पे एक ही टांग के है, मुझे छरे लगे थे। उसका कोई हेल्थ मेंटेनेंस क्लेम हो गया? कोई कुछ नहीं मिला। एक्सीडेंटल क्लेम? कोई कुछ नहीं मिला, वही तनख्वाह ही मिलती थी जब तक हम काम करते रहे। जब ये जंग जीत गए तो हमें सर्टिफिकेट दे के घरों में भेज दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में जो भी भर्ती आएगी सबसे पहले आप लोगों को लिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, 24 साल से आपने कोई भर्ती नहीं करी, इन लोगों की याद आपको नहीं आई, आपने अपना मतलब निकाल लिया, जब आपका मतलब निकल गया तो हमें घरों में भेज दिया। अब जाओ अपने घरों। याद कब आई आपकी? अभी याद आई ना, जब ये अभिनंदन वाला जाय पाकिस्तान में गिरता है तो हमें आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आता है कि आप तैयार रहिए। अगर पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभिनंदन को नहीं छोड़ती तो उस समय जंग तैयार था। पर हमने फिर भी बोला कि हमारे हिंदुस्तान की बात है, मर जाएंगे और हम जाएंगे। हमने बोला सर कहाँ से बोल रहे हैं, तुम्हारी से बोल रहे हैं। अभी आपको हमारी बैकस्पोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, अगर हमारी बैकस्पोर्ट नहीं होती तो ये कारगिल ऑपरेशन विजय कभी नहीं हो सकता था। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने PHE वालों को नहीं लगाया, आपने PTT वालों को नहीं लगाया, इन लोगों को किसने भर्ती किया था? आपकी सरकार थी तब भी, इनकी तरफ ध्यान दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? अगर आपका जो जेन्युइन इशू है एड्रेस नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, LG लेड शासन की तरफ से, तो अब नेक्स्ट क्या आप स्टेप उठाएंगे? हम दिल्ली जंतर मंतर पे जाएंगे और वहां पर मरण व्रत रखेंगे, दिल्ली जंतर मंतर। हम तब जब तक हमारे में सांस रहेगी ना, हम इन सरकारों को कोसते ही रहेंगे, पूरे भारत को दिखाएंगे, पूरे भारत को दिखाएंगे जो हमने कार्य किया है उसका हमें क्या परिणाम मिल रहा है, इस जम्मू कश्मीर में क्या परिणाम मिल रहा है, ये हम सबको बताएंगे, पूरे दिल्ली को बताएंगे, पूरी हिंदुस्तान को बताएंगे। देखो हमारी ये दुर्दशा इन सरकारों ने की है, हमने कौन सा गुनाह किया था, हमारा ये कसूर था, हम लोग जीवित आ गए थे, ये गुनाह था हमारा।